आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। विदिशा जिले की तहसील नटेरन में राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय आकर सौंपा ज्ञापन। कर्मचारी संघ के भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की है। अधिकारियों कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन स्कीम लागू है। उपरोक्त तो पेंशन स्कीम में अनेक कर्मचारियों को शासन से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम राशि पेंशन में प्राप्त होती है, जो बुढ़ापे में भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर सभी कर्मचारी अधिकारियों को इसका लाभ दिया जाए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष परशुराम दुबे, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, संगठन मंत्री ईश्वर शर्मा, वीआरसी मुकेश शर्मा, संकुल प्राचार्य उधम चंद अहिरवार, रामबाबू रघुवंशी, आनंद श्रीवास्तव, गुलाब सिंह रघुवंशी, अजय माथुर, भोला राम विश्वकर्मा और इनके साथ में ही यशवंत पाठक, अशोक मीणा, रामबाबू दांगी, कमल सिंह, भोगीराम जाटव आदि उपस्थित रहे। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए संवाददाता संजीव यादव। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आज कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद।